मिलके मोहब्बत नाल सलवात इल्तमासे सूरह फातिहा बराए साले सवाब चाचा हाकिम खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक याउमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلوات پڑھو چا محمد وال محمد کی ذات تے سارے احباب جتنے بھی بیٹھے ہو اللہ دی ذات تواڈا اس مقام مقدس دے تے ٹر کے آیا اپنی عبادت شمار فرمائے میرے بھائیاں دا اے صفے عزا پروگرام مجلس سے آزادہ کروایا اپنی عبادت شمار فرمائے بلخص چاچا غلام حاکم خان صاحب دے اللہ درجات بلند فرمائے انہاں دے والد دے بھی اللہ درجات بلند فرمائے اور تواڈے بھی مرحومین دے اللہ درجات نوں بلند فرمائے جتنی دعائیں اپنے دل وچ رکھ دیو ساریاں حاجات دی برابری واسطے امام زمان علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے باران رحمت دے نزول واسطے مل کے صلوات اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو جتنے بھی بیٹھے ہو اللہ دی ذات تواڈی عبادت شمار فرمائے اپنے ذہن نو متوجہ کراون واسطے مل کے محبت نال صلوات پڑھو جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت وإلیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلوات الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین صلوات الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجب شهر علي الشعبان شهري الرمضان شهر الله صلوات میں تواڈے سامنے ایک چھوٹی جی سورت دی آیت ایک آیت دا ایک حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ دی ذات قرآن مجید سانو پہلے پڑھن دی توفیق عنایت فرمائے پڑھن دے نال نال سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے پڑھنا بہت آسان ہے سمجھنا اس کو بڑا مشکل ہے سمجھن تو بعد اوکھا کم ہے اس تے عمل کرنا کیونکہ میں ایک سورہ تحریم آیت نمبر غالباً 6 ہے اس وچ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
ऐ साहिबे ईमान बचो बचाओ अपने आप नू वत अगा। यानी अल्लाह ने इरशाद फरमा छोड़िया पहले अपने आप नू दुरुस्त कर उस तो बाद घर आलियां दी तरबियत कर उस तो बाद अगा टुर। ए नहीं हूँ पता शॉर्टकट दौर लोग हो गए जनाब मुख्तसर वक्त नू बड़ा कलील जे टाइम नू इन लोग शॉर्टकट करके न जी क्रास बना लेंदन बाईपास बना के लग वेंदन। लेकिन अल्लाह दी जात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अन्फुसकुम ऐ अहले ईमान। पहले तो ये समझो कि अहले ईमान किसनू आखदे ने। अल्लाह दी जात ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़न नाल बंदा बनदा है मुसलमान। मोमिन अंदर हसन अपनी तवज्जो जरा मेरी अर्ज आले पासे करे सो मैं थोड़े इलाके का बंदा तो बेतके आई करे सो खान ते मार ते सियाल बैठे हो मैं एक छोटी जी कौम का बंदा तो पर तवज्जो ने करेंदे पे बई तू दर सी जो है बैठे अगे नित सिर खांदे रहंदे मैं सोने दियां तारां लगियां हुई हैं। मोमिन मर्द मवाली अली हैदरे करार दा मनन वाला सोने तकिए ला के बैठो सी उस बैड उते जिहड़ा पूरी जिंदगी कदाई बैड छोड़ जो कदाई बनी हुई मंजी तो इलावा सुता ही कदाई नहीं अपनी जिंदगी नू राहे खुदा च वंते कुर्बान कर दिता है। अल्लाह कहते हैं पूरी जिंदगी मेरे राह ते कुर्बान कर छोड़िए हूं तू जन्नत च आवन सोने बैड तेरे वास्ते बनाए मुँह सोने परिंदे तेरे वास्ते बनाए मुँह। अल्लाह सूरह रहमान च इरशाद फरमाइंदा पिया जन्नती बंदा अजन दिल सोचेंदा वदा होसी जो मैं आज बटेरा खावा ओ बटेरा जन खावन दा दिल ते ज़हन सुचेंदा वदा होसी अल्लाह उस बटेरे नु हुक्म देसी ओ बटेरा हुक्म खुदा दे नाल तेरे सामने हाजिर होसी। और सूरह रहमान दी तफसीर पढ़ के वंत वेख ओ खुद ब खुद ओ बोटियां भोज के तेरे सामने आवे सन। ये जेड़ा अल्लाह दी जात ने तय अपनी जिंदगी नु तय अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक है ढाल छोड़िया उस दा तैनु आजिर बरोज़े कयामत मिलसी। वत अल्लाह ने सूरह एक आयत दे विच इरशाद फरमाया अद दुनिया मज़रातुल आखिरा ऐ मेरा बंदा ऐ मेरा आबद ऐ मेरी मखलूक। अल्लाह ने इरशाद फरमा छोड़िया के अद दुनिया मज़रातुल आखिरा दुनिया आखरत दी है खेती दुनिया दुते अगर तू नेक काम करके गियो आखरत में जन्नतुल फिरदौस अता करे सा दुनिया सारा दे झूठ बोले हनी दुनिया दुते रह के फरेब कारियां कीतियां हनी नमाज पढ़न न वेंदा आजान होंदी आई फोन ते गप शुरू कर देंदा हाऊ वत हुण उदाई जन्नत च गल सड़ मर जन्नत च तेरा हक कोई नहीं बनदा जहन्नम च मर। तो लिहाजा मैं 15 अजाब जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा ओ तुहानू सुनावणे नू उस बात प्यारे भाई लियाकत अली खान साहिब नू टाइम देवा जनाब ज़हरा इरशाद फरमाइंदन सलवात पढ़ो चो सैयदा दी जात जनाब ज़हरा फरमाइंदन के मैं पूछे बाबा जान जेड़ा बंदा नमाज नू अहमियत नहीं देंदा नमाज नहीं पढ़दा उहदे उत्ते भी कोई अजाब आसी। जनाबे रसूल पाक ओ नबी जेड़ा बगैर हुक्म खुदा दे अपने यकूती लबन हरकत नहीं देंदा ओ मुस्तफा जेड़ा जिब्राइल दी वही दी इंतजार करके उस हुक्म खुदा दी वसूली करके ता ऐलान कर दे। रसूल मुअज्जम ने इरशाद फरमाया मेरी प्यारी धी ऐ मेरी लखते जिगर धी अगर जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा ओदे उते 15 अजाब आसन 15 अजाब वत फरमाया 6 अजाब उदे दुनिया दुते आसेन 3 अजाब उनु मरने ले आसेन 3 अजाब उनु कबरे च आसेन 3 अजाब उसनु बरोजे कयामत आसेन। अगर तुहाडा दिल होवे तो सुना छोना तफसीर तो इलावा नाराज नहीं होए तो सलवात पढ़ो चा। पहला इरशाद फरमाया रसूल मुअज्जम ने जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा ओदी उम्र घटो सी। आजकल वेख लो पता ही नहीं लगता चंगा भला बाबा बैठाई बिरा बैठाई कुत्तू तई गया अटैक होया लगा गया पता ही नहीं लगा।
जिमे असा शॉर्टकट हो गए हैं उन्हें मौत अल्लाह दी जात ने सानू इबरत हासिल करने वास्ते मौत दा पता ही नहीं लगता पे अमवा दा पता ही नहीं लगता पे मतसाने अल्लाह दी जात पता नहीं मेरे को लेना के है ए मेरे मोहतरम अल्लाह दी जात ने तेनु सोहनिया सोहनिया चीजा अता कीतियां उस दे हुक्म दी वजह आवरी अपने इस पांच या छह फुट उते अगर तू अपनी हुकूमत नहीं कर सकदा व जन्नत दी तू ख्वाहिश छोड़ दे। दुआ इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा ओदा रिज़्क घट वैसी। मैं जी उसाजी कोई तवीज दिवे आए मैं तो कर कर मेरी तो हड्डियां मुक गई मेरे तो हूं दंद ही डाए पाए सिर दे वाल ही तगारियां चा चा डाए पाए ते गार दा ग्यो ही पूरा नहीं होता। उस बाबे को मैं पूछा भाई तू जो मजदूरी की आई आ दोपहरे अजान ही आई आई सुने ही आई आ हाजी बहादुर खान अहमद खान साहब अजान दी कहें अजान सुन के असा जनाब कान दे विच टपा छोड़ी अल्लाह दे हुक्म नू ना अदा कीता वत तू अल्लाह दे हुक्म नू तय अपनी जिंदगी च नहीं अदा कीता ते क्या हूँ जन्नत तेरे वास्ते इन्हें बनी। मौला अली अलैहि सलाम ओ आदिल इमाम है जड़ा सके भिरा अकेलो बैतुल माल चू दीवे दा तेल नहीं देंदा तैनू ते मैनू जन्नत दी टिकट इन्हें दे छुड़े सी नहीं देना। त्रिया फरमाया उस बंदे दे चेहरे दूते खूबसूरती नारासी चाहे दुनिया दी जितनी करीमा ला लवे महंगिया तो महंगे ब्यूटी पार्लर ते बनते बाबा ते पुत्र बनते डेंटिंग पेंटिंग करा ले हजारा हजारा पैसे ला के शाम तई घर आवे वह दमीले सूता पता नहीं लगा वो मुंह वह दोबारा वो काला मुखड़ा काट के आ गया। चौथा फरमाया अगर वो कोई नेक काम करे सी भी सही ओदा बगैर अजर दे कोई अजर ओदे नामे अमाल च ना लिखिया वैसे। पंजवा फरमाया ओदी दुआ कबूल ना हो सी। हूँ बंदे आदन जी मेरी तो जिंदगी गुजर गई मैं तो सजदे दे दे थक पिया मैं तो दुआ मंग मंग ते मेरे तो हाथ ही थक पैन मेरे दंद ही ढाए पैन मेरा अल्लाह तो मेरी सुनदा ही नहीं पता नहीं फलाने दी तो सुनदा है ते मेरे दी नहीं सुनदा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तू खलूस नियत नाल मेरे दरबार च एक वेरी मैनू तू साड मैं लबैक या अबदी दा वेरी करे ना। छेवा इरशाद फरमाया अगर वो बंदा जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा कोई नेक बंदा भी अगर उस वास्ते कोई दुआ करे सी मैं अल्लाह ओ दी दुआ नु भी कबूल ना करे सा। ये अनछी अजाब जेड़े उस नु दुनिया दुते मिल सन त्राय अजाब जेड़े उन मरण टाइम मिल सन। पहला फरमाया इयो जी शख्स जलील हो के मरसी चोड़ चोड़ के मरसी। दुआ फरमाया भूखा मरसी खा के न मरसी। त्रिया फरमाया ओ प्यासा मरसी। इसे वास्ते मासूम फरमाएं जिस टाइम हालत इंतजार होवे रूह निकल रही होवे तो तुसा अपने मुर्दिया को ये नहीं पूछना बाबा फलाने बैंक केड़ा खाता खुलवाया या कहीं दे ना ते आई ओदा अंगूठा मैनू ला के दी वन फुला रकबा कहीं दे ना ते ओ मैनू दसी वन फुला मज कहीं दे नाल भाईवाली ओ दसी वन। मासूम इरशाद फरमा रहेन अगर तू चाहने कि बंदा है मोमिन दी आखरत भी समर जावे ओदी मौत भी आसान हो जावे वत कलमे शहादत आइन उसनु पढ़ा बारह इमामा दा ना उसकी जुबान दुते दोहरवा और पानी पिला ताकि प्यासा न मरे। निगल है या नहीं। त्राय अजाब उसनु कबर च मिलने। पहला अजाब अल्लाह दी जात उस बंदे वास्ते एक इयो जिया फरिश्ता मुकरर करे सी जिड़ा उनु आराम नाल न सम्मान दे सी आराम ना लोनो सम्मान ना देसी हर वेले कोई ना कोई अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक उसनु तकलीफ पहुंचाई सी उसनु एहसास हो सी कि मैं अल्लाह दी इतनी नेमत खादियां गर्मियां दी मौसम
ठंडे एसियां ते सोता रहीं, सर्दियां दे मौसम च हीटर दी हवा ते सुता रहीं। मैं अल्लाह दी नेमतां नूं मैं पहचानिया ही नहीं। हुण मन ते अख खुलसी, उस अख खुलण दा फायदा कोई नहीं। जिवें मौला अली अलैहि सलाम इरशाद फरमाइदन, अन्नासु नियामुन इज़ा मातू फंतबहू, लोग सुते हुए जेड़े वेले मौत थप्पड़ उन्हां दे मुंह ते लगसी उसले जाग सन, लेकिन उस वेले जागण दा कोई फायदा ना हो सी। दुआ अज़ाब अल्लाह उस दी कबर नूं तंग कर दे सी, उस दी कबर नूं तंग कर दे सी, जेनी सौड़ा कर दे सी। त्रिया फरमाया, उस बंदे दी कबर अंधेरा हो सी, रोशनी हो सी नहीं। इसे वास्ते मासूम फरमाइंदन, कबर है अंधेरे दी, अंधेरे दा घर। अगर तू चाहना है कि मैं कबर नू नूरानियत पहुंचावा, अगर मेरी कबर नूरानी होवे, वत मस्जिद दी सफाई कर चा, तेरी कबर जाने तो मैं अल्लाह अपने नूर दी लाइट नाल उस तेरी कबर नू नूरानी कर दे सा। असा कदा ही मसीत वना है तो सफाई करा है। त्राय अजाब उसनू कयामत आले दिन जड़े मिलने, अल्लाह दी जात एक इयो जिहा फरिश्ता मुकरर करे सी जड़ा उनू घील के लैके अल्लाह दे दरबार चलाया सी। दुआ अजाब फरमाया, इयो जे बंदे दा हिसाब किताब सख्त हो सी। त्रिया इरशाद और आखिरी इरशाद फरमाया, अल्लाह दी जात उस पासे रहमत अली निगाह नू ही ना वेख सी, जैंदे उते अल्लाह रहमत दी निगाह न वेखे उस जिंदगी गुजारी दा फायदा क्या। मेरे मोहतरम, रजब दा महीना है, अल्लाह दी जात ने त्रै महीने दे पैकेज ला छोड़े है, रजब शाबान रमजान। अल्लाह दी जात ने इरशाद फरमाया, अगर तू चाहना है कि मैं बंदे मोमिन, पहले हम गुनाहगार, मैं पूरी जिंदगी गुनाह में गुजार छोड़ी, आज मैं रजब दा चंद चढ़े है, पहले अगर थोड़िया नमाजा पढ़दा हाँ, हूँ आन के रजब च दुआई चा पढ़। आखिरी दुआ दा जुमला जड़ा मीरे कायनात इरशाद फरमाइंदन, पर अपनी रीश मुबारक नु अपने हाथ नाल पकड़ के आदन, या जल जलाले वल इकराम, या जल नहमाए वल जूद, या जल मन्ने वत्तौल, हर्रम शैबती अलन नार, मेरा अल्लाह मेरी इस चिट्टी दाढ़ी दूते रहम कर। ओ अमीरे कायनात, जेड़ा 2000 सजदे हर रात नु दे के सम्मन वाली जात दना है अमीरे कायनात। तेरा रजब ताजी गुजरिया, जठारा रजब है, पांच दे हुन तेरा रजब नू मौला अली दी विलादत गुजरे नू, तो मेरे मोहतरम तेरा रजब तू लैके हुन 18 रजब तक, ए वेख मैं अल्लाह दे हुक्म दियां कितनिया फरमां बरदारियां कितनिया, अल्लाह दे ना हो अल्लाह दे मनिया कितनिया, ना फरमानियां कितनिया। एक दो अमल दसने, उस बाद दो जिक्र दे जुमले मसाइब दे। मासूम फरमाइंदे के जेड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह दा जिक्र करदा है, माहे रजब च 1000 वेरी ला इलाहा इल्लल्लाह रोजाना पढ़दा है, अल्लाह दी जात ओदे 1000 सवाब नामा माले च रख छुड़ेंदा है, ते 100 शहर जन्नत च ओदे वास्ते बना छुड़ेंदा। वत फरमाया, रजब आदे कहनू हैं, मासूम को पूछे गया, मासूम ने फरमाया, रजब एक जन्नत दे विच नहर दनाए, जेड़ी दूध तू ज्यादा चिट्टीए, माखी तू ज्यादा मिठीए। मासूम को पूछे गया, उस रजब नहर चू कौन पानी पीसी, मासूम ने फरमाया, जेड़ा माहे रजब विच एक रोजा रखसी, और रजब अली नहर चू पानी पीवन दा हकदार बनसी। असा तो शाबान का आखिरी हफ्ता आंदा है जी, डॉक्टर ना राबते शुरू कर देने है जी, मेरे तो मेदे नु दर्द उठे है जी, मेरी तो शुगर बढ़ गई है जी, मेरे तो ब्लड प्रेशर हाई तो लो होंदा खला साई, मैनू तो चक्कर आंदे, मैं तो अपनी जिंदगी तो तंग वदा, मैं किवें रोजे रखा। बाकी 11 महीने तो सानू कुछ ही नहीं होया, दा दा रोटियां फूक वैंदिया से। मेरे मोहतरम, अल्लाह दी जात ने तेनू एडी सोहनी जिंदगी अता की, इस जिंदगी दी कदर कर। तेरे मेरे जहन बिल्कुल जंग आलूद हो चुके,
दुनिया दे तरफ असा भज रहे हैं, आखरत दी सानू फिक्र कोई नहीं। अगर तू चाहने कि मेरी आखरत भी अच्छी बन जावे, दुनिया दूते बिशक ते सोहनी जिंदगी नहीं गुजारी। जिमे किबला सैयद मोहम्मद यार शाह साहब आलल्ला मकामहु व नवर अल्लाह मरकदहु शरीफ इरशाद फरमाते हैं कि अगर दुनिया दूते रह के कूत या लमूत दूते गुजर गई है, ते आखरत गई है तेरी समिर, वत ते वर्गा खुश नसीब दुनिया दूते अली आला है ही कोई ना। इसे दीन दी कदर कर, इस दीन दूते बड़ा खर्चा होया ही, इस दीन दूते लगे नी अली दी धी दियां चादरां, इस दीन दूते लगे अली दे पुत्रां दा खून। तैता वतन दूते बह के गरीबां दी गुरबत मनाईए, अज भी वे कितने लोग सिख दे वदन के मैं गरीब करबला दे रोजे ते वन्या, लेकिन अल्लाह दी जात हर मोमिन नू ज़ियारत करबला तो मुशर्रफ फरमाए और हज बैतुल्ला दी भी ज़ियारत नसीब फरमाए। वेख लो कि तुर्की और शाम दी की हालत हो चुकी है, 5 मिनट दे जलजले ने करोड़ा दियां मंजलां जमीन दे जमीन उते ढाए पईन, कोई पता नहीं लगा, हजारां दे हिसाब लोग मर गए। यह जिंदगी दुनिया खत्म हो जानी है, आखरत दे बारे तुसा ते मैं सोचा है। मैं उस जहरा दे दुखां दे जुमले पढ़ने जिहड़ी मुहम्मद दी धी 18 साल जिंदगी सर दे वाल सफेद हो गए हैं, कमर नून वांगू झुक गई है। इको जुमला जनाब सैयदा दे जुबान अतहर दुते जारी रहा, अकेना इलाही अज्जल वफाती सरीयन, मेरा अल्लाह मेरे देह मुकाम मैं जहरा दुखा तू तंग हो गई। तुआड़े साड़े इलाके दा रिवाज है कहीं धी दा पियो मर वजे ओनू असा दिलासे देने हैं, असा उस नुआ दे मेरा मेरी धी मेरी बहन सबर कर कोई मोया नाल मर नहीं वेंदा। लेकिन वाहिद जनाबे जहराए ओला मालिक दिन 75 या 95 दे या 90 दे त्राई रिवायता लिख दें कि मोहम्मद दे टुर वंजन दे बाद मुसलमान अग ते लकड़ियां लेके उस दरवाजे ते आएन, अकरम भाई उस दरवाजे ते आएन जेड़े दरवाजे ते ओला मालिक दे 900 वेरी आयत तहीर दी तिलावत मोहम्मद मुस्तफा करेंदे रहे। अल्लाह दी जात तेरियां कुकां इबादत शुमार फरमाए, अल्लाह दी जात चाचे हाकिम खान साहब दे दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह दी जात भाई सिफतैन रजा दे माल रिज कारोबार च उसत इनायत फरमाए, अल्लाह दी जात इन्हां भाइयों ने इत्तफाक व इत्तेहाद दी दौलत दे नाल मालो माल फरमाए। मेरे मोहतरम मुहम्मद दी धी सजे हथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ सकदी, 7 रबीउल अव्वल दा दिन चढ़िया है, मुसलमान अग ते लकड़ियां लेके मुहम्मद दी दे दरवाजे ते आएन, फकत आएन नहीं आन के धमकियां देंदे रहेन, उस जहरा नु धमकियां देंदे रहेन जे जहरा दा मुहम्मद मुस्तफा खड़े होके इस्तकबाल करेंदे, धमकियां देंदे आएन आदियान मुहम्मदी दी दरवाजे नु दरवाजा खोल असाली नु कैदी करके लए वंजना है। मोहम्मद दिया दिया हया करो मोहम्मद, इस आयत आयत तहीर दी मिस्ताक ही ए दरवाजा, इते हसनैन शरीफैन रहंदेन, कुछ हया करो अली कुरान दी जम आवरीच मसरूफे, ऐसे कम वक्त मुसलमान आए ना ध्यान दरवाजा खोल असा दरवाजे नु बाला दिसाए, दरवाजे नु बा लगनी आई मोहम्मद दी दरवाजे दे पीछे मौजूद आई, बाला मन दे बाद एक कम वक्त मुसलमान ने पैर दा धक्का दिता है, जल्दा बल्दा दरवाजा मोहम्मद दी ते आया है, तल्ले तड़प दी रही है मोहम्मद दी, चीखा बुलंद होंदी रही है, आदि आई उम्मे कलसूम आवे आ मेरा मोहसिन शहीद हो गई आई।